अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 में चार प्रश्न है, इन चारों को आराम से समझिए तो सिंपल है। 37 के पहला को देखते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, देखिए नदी के सामने की किनारों के नदी के सामने की अवनमन कोण, मान लीजिए यह आपको नदी है और इसके दो किनारे हैं, इस नदी के किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो यह कोण मान लिया 30 डिग्री है और यह कोण मान लिया 45 डिग्री है, तो अवनमन कोण के बराबर होता है, तो इस तरह से हमने मिला दिया, तो यह भी 30 डिग्री होगा और यह भी 45 डिग्री होगा। यदि कहता है यदि पुल किनारे से 3 मीटर ऊंचा है और पुल 3 मीटर ऊंचा है, तो कहता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी नदी यहाँ से यहाँ सिंपल है ए बी सी डी, एक बार यह 3 मीटर रख करके देखिए, यहाँ से ए बी चलिए इसको में, एक बार यहाँ से ए बी चलिए इसको में, आप नदी के दोनों का आंसर जोड़ दीजिए आ जाएगा, क्योंकि माना पुल ए बी बराबर 3 मीटर, नदी आपको है सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी, अब दोनों त्रिभुज में बारी बारी चलिए, अब त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में चलिएगा तो टेन थीटा लगेगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर में ए बी बटा बी सी, अब टेन 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 ए बी के जगह पर है आपको दे ले 3 मीटर और बी सी के बी सी, इसलिए बी सी बराबर आ गया आपको 3√3 मीटर। फिर चलेंगे फिर त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में चलेंगे तो टेन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको ए बी बटा बी डी, टेन 45 डिग्री वैल्यू 1, ए बी का होगा 3 बटा आपको होगा बी डी, इसलिए बी डी बराबर आएगा 3 मीटर। अब इसलिए दोनों का जोड़ दीजिए, नदी नदी सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी, अब बी सी के जगह पर आया 3√3 प्लस में 3, अब 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1, अब देखिए इसलिए सी डी बराबर आ जाएगा आपको 3 × 2.732, अब इसको से आप गुना कर दीजिए आपको लगभग 3×6 = 8 के आसपास आंसर आ जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 37 के पहला का उत्तर कितना लाया, तो 8 के आसपास इसका उत्तर आएगा, आपको जरूर गुना करके हमें बताना है, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। 37 के दूसरा, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है, एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, एक नदी है जो 100 मीटर चौड़ी है के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप में एक लंबा पेड़ है के मध्य में मानो बीचों बीच, तो आप 50-50 भी कर सकते हैं, द्वीप है, पी और क्यू दो बिंदु है नदी के दो किनारे के ठीक आमने सामने है, मान लीजिए यहाँ पे पी है और यहाँ पर क्यू है, अब कहता है आमने सामने की और पेड़ इन बिंदुओं के मध्य में है, पेड़ इन बिंदुओं के सिद्ध में है, ठीक है इस सिद्ध में है, यदि पी और क्यू पेड़ के यूनियन कोण क्रमशः 30 और 45 है, मतलब यहाँ पर ही बनाया है आपको 30 डिग्री और यहाँ पर बनाया है आपको 45 डिग्री, अब आप बना दीजिए ए बी, तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आपसे पेड़ का ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई पूछा है, तो आप सिंपली बना सकते हैं, ये तो ऐसे भी आप बना ले सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एगो में चलेंगे तो 85 में होगा, 85 में होगा, तो 85 में और 85 में चलिएगा तो आप पेड़ का ऊंचाई कोई से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह पेड़ मध्य में है, तो 50 इस पर रख के चलिए या 50 इस पर रख के चलिए, तो जब इसमें हम रख के चलेंगे तो 10 के लिए मान निकालेंगे 50 आ जाएगा मीटर, अब इसको में भी मान निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप हमें 37 का दूसरा आप बना के बता सकते हैं कि आपने 37 का दूसरा का आंसर कितना लाया था, ठीक है हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। 37 का 100 मीटर चौड़ी नदी के बाद में एक छोटा सा द्वीप है, पी और क्यू नदी के दो किनारे के ठीक आमने सामने की बिंदुए हैं, पेड़ इन बिंदुओं के सिद्ध में, पी और क्यू से यूनियन कोण 30 और 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है आपका उत्तर का हमें इंतजार रहेगा कि आपने इसका उत्तर कितना लाया है। क्वेश्चन नंबर
देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के दूसरा है, तो आप एगो के जो यहाँ 100 माने थे, एगो के x मान लीजिएगा, दूसरा के 100 माइनस x मान लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। 37 के तीसरा का प्रश्न, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस के दो जहाज विपरीत दिशा से आ रहे हैं। समुद्र के मध्य में, ठीक है, दो जहाज विपरीत दिशा से आते हैं, दोनों जहाजों से शिखर का यूनियन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए कहता है समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस है, समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस स्थित है। अब कहता है दो जहाज विपरीत दिशा से आते हैं, दोनों जहाज लाइट हाउस के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। शिखर के यूनियन कोण यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ पर इसका 45 डिग्री है। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। अब कहता है यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर, एगो जहाज यहाँ और एगो जहाज यहाँ, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर है, तो कहता है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो आप एगो के x मान ले और दूसरा के 100 माइनस x मान ले, वही बात है जो पहले का प्रश्न था। देख लीजिए जिनको से 37 के दूसरा नहीं बनेगा, उस 37 के तीसरा देख लीजिए और सेम फोटोकॉपी करिएगा। तो माना लाइट हाउस ए बी बराबर h मीटर, आपको दूरी दिया है, दूरी आपको सी डी बराबर माना है 100 मीटर दिया है, इसलिए आपको बी सी बराबर माना बी सी बराबर x, तो बी डी बराबर आपको हो जाएगा 100 माइनस x। अब त्रिभुज ए बी सी में, जब त्रिभुज ए बी सी में चलेगा तो इसको और इसको रखे पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी के जगह पर होगा h और बी सी के जगह पर x, tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 बराबर h बटा x, इसलिए x बराबर आपको आ जाएगा √3h। समीकरण 1। फिर दूसरा त्रिभुज में चल दीजिए, फिर त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर में ए बी को रखना है, अब इसको रखना है, तो एच बटा हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और आप गुना करिएगा तो 1 बराबर एच बटा 100 माइनस एक्स, सॉरी मान बैठाइएगा तो यहाँ आ जाएगा एच बराबर 100 माइनस एक्स। आपको जरूरत किसका है, एच का, एच का जरूरत है, तो एक्स के मान को इसमें पटक दीजिए आप, तो आप समीकरण 2। अब एच एक्स का मान एक में, एक्स का मान एक में, जब एक में रखिएगा तो आपको हो जाएगा एच बराबर 100 माइनस, देखिए √3h, यह दूसरी ओर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो √3h प्लस एच बराबर में 100, यहां से वही बात एच कॉमन लीजिएगा तो √3 + 1 बराबर में 100। अब उसी तरह परिमेयकरण करिएगा तो h बराबर हो जाएगा 100/√3 + 1 गुने करिएगा √3 - 1 √3 - 1, ऊपर में आपको हो जाएगा, देखिए 100 गुने ये हो जाएगा आपको 1.732 में से एक घटाइएगा तो 0.732 बचेगा और बटा में यहाँ 2 बचेगा, तो आप देखिए इसको आप गुना कर लीजिएगा तो मैं फाइनली आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, h बराबर ऊपर में आ जाएगा 73.2 से गुना करिएगा, 2 में भागा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2 से 36 गुना के 72 एक, इतना मीटर आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 37 का चौथा, एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशा में स्थित, एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशा में स्थित दो जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए यहाँ एक लाइट हाउस है, अनुमान कोण दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर है, लाइट हाउस की ऊंचाई अगर कितना दिया है 100 मीटर, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। माना एक जहाज यहाँ था तो ऐसे एक जहाज हो गया, एक जहाज यहाँ हो गया, तो ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये दोनों जहाज के बीच की दूरी है, तो कहता है यदि दोनों जहाजों को लाने वाले लाइट हाउस के पास से जाए, ठीक है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ निकालना है, तो ए बी सी डी आप कुछ भी नहीं करें,
सेम जैसे आप बनाते आ रहे हैं उसी तरह से जो यहाँ से यहाँ तक निकालना था, एक बार ए बी सी में चलिए, ए बी डी में चलिए, इसको और इसको निकाल करके आपस में जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। माना लाइट हाउस हाउस ए बी बराबर 100 मीटर, आपको दूरी बराबर है, दूरी बराबर है सी डी, सी डी और सी डी बराबर होगा बी सी प्लस बी डी। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलिए, अब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, तो ए बी सी में यह आपको दिल है और यह जरूरी है, तो इसको और इसको शामिल करेंगे तो टेन लगाना होगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 बटा BC, और टेन 30 के डिग्री के वैल्यू होगा 1/√3 बराबर 100 बटा BC, इसलिए यहाँ से बी सी का मान निकालिए जगह तो आ जाएगा 100√3। फिर चलिए, फिर त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो उसी तरह से टेन 45 डिग्री बराबर, टेन 45 डिग्री बराबर देखिए इसको और इसको शामिल करना होगा, तो 100 मीटर मतलब ए बी बटा बी डी शामिल करेंगे, बटा में बी डी, और टेन 45 की वैल्यू 1/1 और 100 के 100 मीटर रहेगा और बी डी के जगह पर बी डी रहेगा, इसलिए बी डी बराबर कितना आ जाएगा 100 मीटर। अब आपको देखिए, आपको यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, अब दूरी निकालिए, इसलिए दूरी बराबर सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी, बी सी के वैल्यू 100√3 और बी डी के वैल्यू 100, बी डी के वैल्यू बी सी प्लस बी डी माफ करिएगा, तो 100 यहाँ से आप 100 कॉमन निकालिएगा, तो 100 कॉमन निकालिएगा तो आएगा √3 + 1, और देखिए 100 के 100 छोड़ दीजिए, √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो इसको में जुट जाएगा तो हो जाएगा 2.732। अभी 100 से गुना करिएगा तो आपको दूरी बराबर आ जाएगा, देखिए 2 जीरो होने चल जाएगा, तो 2.32 मीटर हो जाएगा आपको आंसर। आशा है आपको यह समझ में आया होगा, अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए केवल भाषा को ध्यान से पूर्वक पढ़िए, आपको बनाने जरूर आएगा, मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यह आपको 37 के चौथा प्रश्न है, हमने आपको 37 के चारों प्रश्न में से 37 के दूसरा आपके लिए छोड़ा है, आशा करते हैं आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।